हेलो फ्रेंड्स, जैन संत विराग मुनि 171 दिनों से 24 घंटे में केवल आधा लीटर पानी पीकर उपवास कर रहे हैं। वो पानी दिन में ही लेते हैं। संत जी हैं, वो पानी केवल दिन में लेते हैं। इन 171 दिनों में उन्होंने लगभग 1000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की है। यानी आप सोच सकते हैं कि केवल पानी पीकर 24 घंटे में केवल आधा लीटर पानी पीकर वे 1000 किलोमीटर की पदयात्रा भी कर रहे हैं। संभवतः ये किसी संत का सबसे अधिक दिनों तक का उपवास है। विराग मुनि जी कहते हैं, जैन धर्म में तपस्या आत्मकल्याण के लिए होती है। मेरा मानना है, संत जी का मानना है कि उपवास से सरल दूसरा कोई तप नहीं है। यहाँ पर हम उपवास की शक्ति देख सकते हैं। सबसे कठिन तप है, संत जी ने कहा है, सबसे कठिन तप है आत्मा को पहचानना। वे स्वकल्याण एवं आत्मनियंत्रण के लिए उपवास कर रहे हैं। ऐसे सद्गुरु को, ऐसे संत जी को मेरा और हम सबका शत-शत नमन, सादर प्रणाम है। वे हमारे आदर्श हैं। हेलो फ्रेंड्स।